कर। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे सपा बसपा गठबंधन से जुड़े कुछ मुद्दों की, क्योंकि ये वोट बैंक है और ऐसा वोट बैंक है जो खेल बिगाड़ता भी है तो थोड़ा सा बिगाड़ बनाता भी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का पीछा करते करते अब बहुजन समाज पार्टी के पसीने छूटने लगे हैं। पिछले 28 साल से बसपा लोकसभा चुनाव के हर मुकाबले में शामिल हुई है, लेकिन रीवा और सतना से आगे नहीं बढ़ पाई। चंबल अंचल और बुंदेलखंड में हर बार जीत की बाउंड्री लाइन पर आकर अटक गई। महाकौशल मालवा और भोपाल संभाग में जमानत बचाना भी मुश्किल रहा। बीएसपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में एमपी में ताल ठोकी है। साल 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। उसे उम्मीद है कि शायद अब उसकी किस्मत खुल जाए। आइए जानते हैं अभी तक बीएसपी का मध्य प्रदेश में किस तरह का इतिहास रहा है। बीएसपी का मध्य प्रदेश में इतिहास। बीएसपी 1991 से 2014 तक हर आम चुनाव में उतरी है। पार्टी को पहली जीत रीवा से मिली थी। 1991 में रीवा से भीम सिंह पटेल 14,316 वोट से जीते। रीवा से ही बसपा को 1996 और 2009 में जीत मिली। विंध्य में बढ़ते जनाधार से पार्टी को 1996 में सतना से जीत मिली। सतना से सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इन दो सीटों के अलावा बसपा 28 साल में कहीं और जीत हासिल नहीं कर पाई। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार आम चुनाव में मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी से समझौता किया है। उसने सपा के लिए टीकमगढ़, खजुराहो और बालाघाट छोड़ी है। 2019 के आम चुनाव में बसपा ने एक बार फिर चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर फोकस किया है। चंबल की भिंड और मुरैना सीट से उसे अभी भी भरोसा है, जबकि ग्वालियर से आशा बंधी हुई है। गुना पर उसका ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ तो सिर्फ महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिक्का चलेगा। चंबल में बसपा ने मुरैना संसदीय क्षेत्र में ही परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाई। 28 साल में बसपा ने यहाँ से कुल 9,86,000 वोट हासिल किए, जो कांग्रेस के 9,60,000 से ज्यादा है, पर वो बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पाई। बात विंध्य की करें तो बसपा को सबसे ज्यादा उम्मीद सतना से है। यहाँ से सुखलाल कुशवाहा को टिकट देकर उसकी नजर ओबीसी वोटों पर है। सीधी और शेड्यूल में उसका वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। बसपा को 28 साल में रीवा से सर्वाधिक 12 लाख से अधिक वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से नुकसान नहीं उलट फायदा है। ये नुकसान तो कांग्रेस को पहुँचाने वाला है। ये महागठबंधन महामिलावट देश भर में करने चले थे तो ना उत्तर प्रदेश में हुई और ना मध्य प्रदेश में और ना ही पश्चिम बंगाल में हुई, ना ही केरल में हुई। हर राज्य में तोड़फोड़ है और जिस प्रकार से सबके सामने ये मामला उजागर हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगी। कोई मुश्किल नहीं है, हर पार्टी स्वतंत्र है और हर पार्टी को आज़ादी है। और निश्चित तौर पर सपा बसपा भी साथ में मिलकर यूपी में लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़े तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रत्याशी हम 29 सीटों पर लड़ा रहे हैं और हमें किसी के भी लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा सीधा मुकाबला भाजपा से और चुनौती भी भाजपा से, और हम भाजपा को हराएंगे। सपा बसपा हमारे लिए मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की तरह मध्य प्रदेश में सपा बसपा एक साथ दिखेगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का प्रभाव दिखेगा? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने में कामयाब होगी, या फिर बसपा रीवा और सतना के फेर में ही उलझ कर रह जाएगी? इस बार मध्य प्रदेश में सपा बसपा की क्या रणनीति रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो साफ है बसपा और सपा से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन भी हो जाए तो बहुत ज्यादा ये महामिलावट वाला खेल नहीं चलने वाला है। लेकिन सपा बसपा से भी हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पर हम उनकी प्रतिक्रिया ले पाए। फिलहाल समझ लेते हैं क्योंकि रीवा और सतना से बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल पाए हैं, थोड़ी बहुत सीटों पर वोट बैंक को प्रभावित जरूर किया है दोनों ही पार्टियों ने। हमारे साथ हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी मौजूद है, उनसे मैं समझ लेती हूँ। मनोज जी, किस तरह से देखा जाए, सपा बसपा दोनों ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम 91 से लेकर 2014 तक के आम चुनाव की बात करें, दोनों ने भागीदारी तो की लेकिन बहुत ज्यादा कुछ आंकड़ों का हेरफेर नहीं कर पाए, रीवा सतना तक ही सिमट कर रह गई। देखिए, जो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें सपा बसपा के प्रभाव की, तो वो जो सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, तो जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही तो मध्य प्रदेश को उस हिस्से में सपा को कामयाबी मिली, लोकसभा में नहीं मिली उनको विधानसभा मिली। बसपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश को उसी बेल्ट में लगे हुए जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वहाँ पर जब सरकार उत्तर प्रदेश में बसपा की रही तब वहाँ उनको सफलता मिली। 90 के दशक की वो बात की जब है कि जब कांशीराम एक बड़े नेता के रूप में उभरे, पूरे देश में वो छा गए, उस दौर में बसपा को मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली। हालांकि मायावती ने भरकस प्रयास किए लेकिन वो उस कामयाबी को ना तो दोहरा सकी ना उस मुकाम पर वापस पहुँच सकी। अभी हमने मध्य प्रदेश के हालिया चुनाव की बात करें, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता जो मीडिया विभाग देखते हैं सलूजा जी, उनको सुना, नरेंद्र सलूजा, वो ये कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी बसपा सपा के समर्थन से वो सरकार चला रहे हैं। उसमें बसपा के जो उम्मीदवार है एक भिंड से जीते हैं संजू कुशवाहा, बाकी दूसरी सीट से रामबाई जीती हैं, एक सपा उम्मीदवार जीते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी उपस्थिति उनकी रही है। बसपा ने प्रयास जरूर किया था विधानसभा चुनाव में, खजुराहो में एक बड़ा सम्मेलन किया था अखिलेश यादव ने, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस के दागी बागी हैं उन्होंने कहा था जिनको टिकट नहीं मिला वो हमारी पार्टी में आए, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब था वो गंभीरता से वो चुनाव नहीं लड़े थे। जो तीन उम्मीदवार जी, यहाँ यश भारती जो सपा पार्टी से बिलोंग करते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। यश भारती जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद मैडम। यश भारती जी, हम दोनों पार्टियों की बात करें तो आज सत्ता के महासंग्राम में हम आपकी पार्टी को लेकर भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों ही पार्टी जो मुख्य दल माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही रिएक्शन लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उपस्थिति से, क्योंकि आप आम चुनाव में तो आए लेकिन बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। देखिए पारुल जी, मध्य प्रदेश भी अन्य प्रदेशों की तरह है जो सभी के साथ आजाद हुआ जी। और संविधान भी एक साथ लागू हुआ, लेकिन तुलनात्मक ढंग से जब हम देखते हैं कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने जिस प्रदेश में नेतृत्व किया तो इस प्रदेश को क्या स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। इनको फर्क तो जनता से भी नहीं पड़ता कि जनता किस विषय से परेशान है। जनता की मूलभूत सुविधाओं से आज भी मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, कुपोषण से आज भी मध्य प्रदेश सर्वाधिक है, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश आज भी प्रथम स्थान पे है, और ये दोनों पार्टियों का ही नेतृत्व है, इसके लिए जिम्मेदार भी ये दोनों हैं। और ये कहना चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जनता ने समय समय पे अवसर तीसरे मोर्चे को दिया है जी। हाँ, ये कमी रह गई है तीसरे मोर्चे में या तीसरे दल में, वो कमी हम लोग भी समझते हैं और उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी विधानसभा चुनाव निकला है उसमें हम एक विजय हासिल कर चुके हैं, 5 जगह पे हम दूसरे स्थान पे थे। उसी तरीके से बसपा ने भी एक अच्छी प्रदर्शन किया है, 50 से 55 सीटें कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम सपा और बसपा ने किया है। अगर हम दोनों दल साथ में मिलके चुनाव लड़ते तो अभी जो परिदृश्य है विधानसभा जी, लेकिन देखिए ये तो आप मानते ही हैं कि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है आपका इन दोनों पार्टियों के मुकाबले। अगर मैं बात करूं बसपा की आपका गठबंधन हो चुका है, मायावती जी कह चुकी हैं वो कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगी, यानी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी को समर्थन देंगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समय समय पे कह चुके हैं देश एक नया प्रधानमंत्री चाहता है और ये जो चुनाव है नया प्रधानमंत्री चुनने का है। कांग्रेस से भाजपा से दोनों, मैंने अभी जो बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही वो भी राष्ट्र के परिदृश्य में भी वही चीज है, हमें जिस अग्रणी भूमिका में होना चाहिए था आज हम वहां नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 15 साल से भाजपा थी, उससे पहले 10 साल से कांग्रेस थी, और 29 में से 26 वर्तमान में सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं।
ये इनकी जवाबदारी, इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कौन सी उपलब्धि इन 5 सालों में लेकर के आए हैं, जवाबदारी तो इनको देनी पड़ेगी। हम इनका विरोध कर रहे हैं, जनता हमको कितना समर्थन करती है आगामी चुनाव बताएगा। अभी हमारा वोट बटता था, बसपा और सपा का एक साथ वोट आएगा, प्रदर्शन आपके सामने रहेगा। मनोज सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे सपा अध्यक्ष हमारे? यस भारती जी, जैसा आपने बताया अभी, लेकिन जो मुद्दों की बात आपने की, लेकिन आपका क्या एजेंडा रहेगा अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अगर दोनों दल मिलकर लड़ रहे हैं तो वो कौन सी सीटें होंगी जिस पे आपका ज्यादा फोकस होगा? क्योंकि रीवा और सतना वो सीटें रही है लोकसभा के हिसाब से जो बसपा जीतती रही है, लेकिन सपा को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली है। तो आप दोनों दल कितनी सीटों का लक्ष्य लेके मध्य प्रदेश में चल रहे हैं? और दूसरी एक बात है कि दोनों पार्टियां मिलकर पूरे देश में 100-125 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि सपा या बसपा से कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा? क्योंकि मायावती जी की हसरत किसी से छुपी नहीं है। देखिए आदरणीय जी, मध्य प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है बसपा और सपा का, वो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी टीकमगढ़, खजुराहो और बालाघाट पे लड़ने जा रही है, शेष 26 सीटों पे बसपा लड़ेगी। और जो आप बात कह रहे हैं कि हम लोग कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए है, कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए नहीं है। देश एक नया प्रधानमंत्री चाहता है, एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहता है, एक अच्छी सरकार चुनना चाहता है। आपने अपने कहा कि रोकने के लिए है बीजेपी को, लेकिन जो आपने भी कहा कि विधानसभा में भी आपने नुकसान पहुंचाया है, यानी कि केवल वोट कटवा की जो भूमिका है उसमें ही सीमित रहना चाहते हो आप कि आप कोई सीट जीतना चाहते हो? वोट कटवे की स्थिति नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपने जो कहा ना कि रोकने की भूमिका है, मैं सर उसी बात पे आ रहा हूँ। रोकने की भूमिका का मतलब नहीं होता, रोकने के साथ हम जीतने की स्थिति में। अभी आपने रोकने का कहा, इसलिए मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश में कितनी सीट जीतने का टारगेट लेके चल रहे हैं आप? रोकने का काम जीत के भी होता है ना, तो कितनी सीटें जीत का टारगेट है? क्योंकि बीजेपी भी मिशन 29 की बात कर रही, कांग्रेस भी मिशन 29, तो बसपा सपा कहाँ खड़ी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें? मध्य प्रदेश में हम कम सीटों पे इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 26 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, और आप देखेंगे एक अच्छा प्रदर्शन होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बालाघाट सीट हमारे कारण नहीं जीत पाई थी, लगभग 1,00,000 वोट हमने लिया था। जो ये कहते हैं कि आप नहीं जीत पाए ना, सवाल तो वही है कि आप नहीं जीत पाए। आदरणीय, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हमें सफलता आज नहीं मिल रही है, आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन जो ये कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, ये जवाब मेरा उनके लिए है। नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी मायावती जी ने एक मजबूत गठबंधन बनाया था अजीत जोगी के संग, उनको उम्मीद थी कि वो त्रिशंकु की स्थिति में किंग मेकर रहेंगे, लेकिन बीजेपी और बसपा और जो उनका गठबंधन था वो कहाँ खड़ा है और कांग्रेस कहाँ पहुंच गई? तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो मजबूत गठबंधन क्या मध्य प्रदेश में रंग लाएगा कि या छत्तीसगढ़ जैसे नतीजे सामने आ सकेंगे? देखिए सर, छत्तीसगढ़ के लिए तो बसपा प्रतिनिधि से आपको बात करनी पड़ेगी। मैं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। एक अच्छा गठजोड़, एक अच्छा मेलजोल हुआ है, जो हमारा वोट बंटता था आपस में, आप देखेंगे इस बार अच्छे परिणाम आएंगे और लोकसभा की सीटें भी निकलेंगी सपा और बसपा की। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यश भारती जी। तो मनोज सर, साफ है स्थितियां उनकी तरफ से क्लियर हैं, हालांकि वो उलझाने की जरूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो साफ है कि बसपा और सपा वोट काटने का काम जरूर कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका फिलहाल मध्य प्रदेश में उनकी नहीं है कि वो सरकार बना सके। बिल्कुल, देखिए लेकिन एक दूसरी बात है कि जो 2014 की अगर हम बात करें, जब मोदी लहर थी, तो कई सारे ऐसे चेहरे कि जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं या बहुत नॉमिनल मार्जिन से वो जीतेंगे, लेकिन वो लाखों की संख्या में वोटों से जीते, 2,00,000, 3,00,000, 2.5 लाख जैसे हम बात करें, और कई सारे बहुत नीचे जीते, जैसे अजय सिंह चुनाव जो हारे थे वो 10,000 के अंदर से हारे थे। ऐसी सीटों पर बसपा और सपा निश्चित रूप से विंध्य और ग्वालियर चंबल की एकाध सीट पर अगर वो दमदारी से चुनाव लड़ गए तो वो नतीजा भले उनके पक्ष में न जाए, लेकिन वो किसी को हारने या जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जहां तक बसपा की बात है, उनका जो वोटर है वो कमिटेड वोटर रहेगा, वो वोट उन्हीं के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि हमने देखा कि दलित हिंसा की आग जो देखी हमने ग्वालियर चंबल में, अगर बसपा वहां दमदारी से चुनाव लड़ती है, और जैसा कि 3 सीटों का बात हो रही कि सपा की, वो जिन हिस्सों में अगर दमदारी से लड़ते हैं, तो जो रजनीश अग्रवाल बात कह रहे थे कि ये गठबंधन निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसका जो वोटर है कमोबेश वही कांग्रेस का वोटर है।
बिल्कुल वैभव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता, उनके भी पास मैं जाना चाहूंगी। वैभव, किस तरह से देखते हैं आप मध्य प्रदेश में बसपा सपा गठबंधन को? तो अभी जिस तरह से सपा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा है आगे, और उनका तो यही मानना है कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे, मतलब वोट बैंक बहुत सारा काट पाएंगे। लेकिन अगर स्थितियों को समझा जाए 91 से लेकर 2014 तक के चुनाव में, तो बहुत कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाई हैं ये दोनों ही पार्टियां। ये अगर ये कहें कि ये छोटा पैक बड़ा धमाल बनकर निकलेंगे, तो ये मुझे लगता है ठीक होगा इनके लिए। छोटा पैक बड़ा धमाल शायद लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह से इनके बड़े नेता अखिलेश यादव भी भोपाल आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि हम तीसरे नंबर पर रहेंगे और हमारे जो मतदाता हैं हमारे साथ रहेंगे, मुद्दों की बात भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए ना सपा ना बसपा। हमने देखा कि यूपी में गठबंधन किया है बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने, तो वहाँ पर तो 50-50 की बात हुई, लेकिन जब बात मध्य प्रदेश की आई तो आखिरकार क्यों सपा को केवल 3 सीटें दी गई? क्या सपा के पास जनाधार नहीं है? यहाँ पर कोई कोई मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि बसपा ज़्यादा भारी पड़ती है सपा से, क्योंकि बसपा को अपने 26 सीटें दे दी, सपा के पास केवल 3 सीटें रही हैं। तो संभाग के आधार पर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग है, जहाँ पर एट्टू सिटी एक्ट का भी हमने देखा कि अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, हिंसा भी वहाँ पर हुई थी, दलित वर्ग जो है वो बसपा के साथ नजर आता है। लेकिन कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, कभी बसपा में रहे फूल सिंह बरैया ने अपना बहुजन संघर्ष दल बनाया और वो कल कमलनाथ के साथ आ गए, कल मंत्रालय में अपने 10 जो बहुजन संघर्ष दल के नेता थे उसके साथ उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। आज जब हमने बरैया साहब से पूछा कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप दलितों के नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, आप बड़े नेता हैं, दलित वर्ग की बात भी करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होगा कि आपकी विचारधारा बदल गई और कांग्रेस की विचारधारा के साथ आप खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि विचारधारा हर पार्टी की अलग होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कमलनाथ दलितों के लिए काम करे। अब कमलनाथ दलितों के लिए काम करते या नहीं करते ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन के बाद किस तरह के हालात होंगे, क्या यूपी में ये कांग्रेस को रोकने के लिए इकट्ठा हुए या बीजेपी को? क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों के पास वोट बैंक जरूर हो सकता है, लेकिन ये वोट बैंक किस तरह से सीटें जिता पाता है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मनोज सर, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत प्रभाव डालने की स्थिति में बसपा सपा नहीं दिख रही है, क्योंकि एक बड़ा नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गया है। यानी हम जो कह रहे थे कि रजनीश अग्रवाल जी की बात को सुनकर, कि रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वोट अगर प्रभाव अगर पड़ेगा भी इस चुनाव में बसपा सपा से, तो कांग्रेस को पड़ने वाला एक अच्छा खासा वोट बैंक उनकी तरफ से वो काट लेते हैं, लेकिन अगर दलित नेता अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो ये प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से बसपा के संग एक बेसिक परेशानी जो है, खासतौर से जो उनकी सुप्रीमो मायावती हैं, कि वो किसी नेता को उभरते नहीं देखना चाहती। जिन फूल सिंह बरैया की बात अभी बात की गुरु ने, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो इतिहास है, जो आखिरी बार जब अटल जी की जो सभा हुई थी लाल परेड मैदान में, पिन ड्रॉप साइलेंट था और पैर रखने की जगह नहीं थी, उसके बाद एक सभा फूल सिंह बरैया ने कराई थी मायावती की, उसी मैदान में कमोबेश वही नजारा था, बसपा के झंडे थे, मायावती की सभा थी, और उसके बाद से कहा जाता है कि फूल सिंह बरैया के दुर्दिन शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि मायावती को लगा था कि मध्य प्रदेश एक बड़ा लीडर निकल के आ रहा है दलितों का, जो उनकी टक्कर का है, जो लाल परेड में अटल जी के बराबर उनकी सभा करवा रहा है, तो उनको खुश होने की जगह उस दिन के बाद से जो उनके बुरे दिन शुरू हुए, इसके बाद बरैया लगातार हाशिए पे जाने लगे। उन्होंने खुद का दल बनाया, बीजेपी की तरफ भी कई बार ताका, लेकिन बहुजन संघर्ष दल बनाया, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाया। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। यूपी में बात करें, एक बड़े लीडर थे राजाराम जी, उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया था, जब उन्होंने मध्य प्रदेश में काफी अच्छा करने की कोशिश की प्रभारी के रहते हुए, इसके बाद वो नेपथ्य में चले गए, जबकि उनको ये माना जाता था कि किसी समय वो मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत में थे। तो जो स्थिति है बसपा के संग उनके साथ ये है कि वो किसी भी और लीडर को खड़ा नहीं होने देते। सपा के साथ बिल्कुल उल्टा है, वो ऐसे चेहरों पर दाव लगाते हैं जो किसी दूसरी पार्टी हों, चाहे वो अनुभव मुंजारे हों, चाहे उनके पति कंकर मुंजारे हो जिनका बालाघाट में प्रभाव है, या जो एक बार जो विधायक रह चुके उनके किशोर समरी थे, जो जेल से चुनाव जीते थे, वाट में नोट फॉर वोट कांड में उनका नाम आया था, वो नोटों के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुझे पैसा मिला था, वो मामला अब भी चल रहा है। तो बसपा अपने नेताओं के लिए एक लीडरशिप डेवलप नहीं होने दे रही मध्य प्रदेश में खास तौर से, और सपा के पास लीडरशिप नहीं है। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर कोई एक नई लीडरशिप मध्य प्रदेश में तैयार करें, तब इनके लिए भविष्य हो सकता है, वो भी कम से कम एक दशक बाद। अभी की स्थिति में इन दोनों पार्टियों का मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई वजूद नहीं है, जब तक कि कोई बड़ा नेता इनके साथ ना जाए। एक बड़ा नेता उनके साथ ना जाए, लेकिन अगर हम वोट बैंक की बात करें तो सर पिछले चुनाव में अगर देखें तो चंबल में बसपा ने मुरैना संसदीय क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वोट भी काफी अच्छा था, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 28 साल बाद बसपा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 9 लाख से ज्यादा वोट इन्हें हासिल हुए, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में भी प्रभाव डालने वाले हैं ये।
नहीं, टुकड़ों में हुआ है। भोपाल में भी एक बार जो अब्दुल रऊफ थे, उनके प्रत्याशी भोपाल में रहे, उन्होंने एक बार 90,000 वोट लिए थे। एक प्रत्याशी उनके इंदौर में रहे बाला बेग, उन्होंने लगभग 1,00,000 के आसपास वोट लिए थे। लेकिन ये टुकड़ों में, जैसे मैंने कहा कि आदमियों पर, अब्दुल रऊफ को जो वोट मिले थे भोपाल में वो उनकी छवि के कारण मिले थे। बाला बेग का इंदौर में आतंक था, इसके कारण उनको वोट मिले थे। लेकिन किसी एक पॉकेट में, किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी एक वोट बैंक को हम नहीं जोड़ सकते। कोई की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो बसपा ये नहीं कह सकती कि इन सीटों पर लोकसभा में वो जीत सकती है। वो जरूर ये है, इस स्थिति में जैसे मुरैना में अगर इतने वोट मिले तो वो आज की तारीख में किसी दल को हरा सकते हैं, लेकिन वो खुद जीत सकते हैं ऐसा अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बसपा के साथ भी वही है कि केवल आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल कर लेते हैं, जैसे कि बसपा के पास है, तो आपको एक उसमें कुछ राज्य तय होते हैं कि इतने राज्यों में आपको इतने फीसदी वोट चाहिए होते हैं। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टियां, बसपा की मजबूरी है कुछ स्टेटस को बनाए रखना है क्योंकि उनका नहीं तो सिंबल छिन सकता है। सपा की मजबूरी है कि अगर उनको अखिल भारतीय स्टेटस लेना है तो 8-10 राज्यों में लड़ना होगा, 6-8 फीसदी वोट जुटाना होंगे। तो कई बार पार्टियां इसलिए भी चेहरे खड़ा कर देती हैं ताकि वो जो चुनाव आयोग की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके कि देखिए हमने 5 राज्यों में इतने वोट ले लिए और एक अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रख सके। मैं लौटती हूं सर आपके पास। रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। रंजन श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। नमस्कार श्रीवास्तव जी, बसपा सपा क्या प्रभाव डालेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार, क्या लगता है? कोई मुझे ऐसा कोई अप्रत्याशित होगा मुझे लगता नहीं है जी। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पार्टी की इमेज है या जो उनका फॉलोइंग है या बेस है, उसको देखते हुए बहुत बड़ा असर नहीं डाल सकते हैं। अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट में जो पिछले 2 बार में बीएसपी जीती है मध्य प्रदेश से, जब से गठन हुआ है बीएसपी का, और तो क्यों रीवा से जीत पाई है बीएसपी, मतलब अनडिवाइडेड एमपी छोड़ दीजिए, बाद में भी केवल रीवा ऐसी सीट है जो 2 बार में जीत पाई है। और कारण इसमें कई कारण है आपका, उनका बेस तो है लेकिन प्रॉब्लम है कि जो पार्टी है एसपी बीएसपी वो ज्यादा समय अपना उत्तर प्रदेश में खर्च करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जो गेटवे टू पीएम का, पीएम का ऑफिस है। सेकेंडली जो लाइनअप यहाँ पे होना चाहिए, जो एक्शन लाइनअप यहाँ जो तैयारी होनी चाहिए, उनके जो कैडर है, मतलब आप बिलीव करेंगे भोपाल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बसपा के सपोर्टर हैं, बसपा को वोट देते पता है, लेकिन उनके बीच जाके काम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना वो होता नहीं है। तो जब तक वो अपने आप को जुड़ाव नहीं करेंगे इन लोगों से, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो लोग छिपरे रहेंगे, मतलब बहुत बड़ा देश नहीं बन पाता है। तो इसलिए जो मनोज जी बोल रहे थे कि जो कभी भी वोट मिल जाता है एक पर्सनल परफॉर्मेंस का एक वोट होता है ना, पर्सनल इमेज का वोट होता है ना कि पार्टी का, तो बहुत कुछ लक्ष्य होगा दोनों के गठन का। और जो पिछला इलेक्शन था 3 पॉइंट समथिंग वोट है बीएसपी का, एसपी का उससे भी कम है, तो दोनों को मिरेकल कर पाएंगे मुझे लगता नहीं। यानी है तो लेकिन बहुत कुछ कर पाएंगे ये, इस पर बहुत ज्यादा भी साफ स्थिति नहीं है। बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी हम वैभव का भी ले लें। वैभव, दोनों की बातें आपने सुनी, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? क्योंकि ये सभी तरफ से यही बात निकल कर आ रही है कि फेस पर वोट पड़ा है बसपा में भी, पार्टी पर वोट नहीं पड़ा है। क्या इस बार ये स्थिति है कि फेस इतने महत्वपूर्ण या इतने चर्चित लोगों से जुड़े हुए दोनों ही पार्टियों की तरफ से सामने आएंगे जो वोट काट सके? पल एक चुनाव में परफॉर्म करने एक अच्छी बात होती है, लेकिन उस परफॉर्मेंस को जीत में तब्दील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बीजेपी और कांग्रेस जीतती इसलिए हैं क्योंकि वो अपना जो परफॉर्मेंस होते हैं वो जीत तक लेके जाते हैं। इसलिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास ज़्यादा हैं, कांग्रेस के पास कम है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता या प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया लेकिन जीत में तब्दील नहीं कर पाए। तो शायद यही बसपा और सपा के साथ चीज़ें हैं कि मायावती चाहती नहीं कि कोई बड़ा नेता उनके आगे खड़ा हो और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका नाम लेके नारेबाजी करें, वहीं जो सपा है वो अच्छे चेहरे खड़े कर ही नहीं पाती क्योंकि सपा के पास वोट बैंक है लेकिन वो वोट बैंक बहुत लिमिटेड है और वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में कोई भी सीट दिला पाएं। ठीक है, कमेंट मनोज जी आप क्या कहेंगे? दोनों आपने रंजन जी की बातों को भी सुना। बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि बसपा के संग सबसे बड़ी परेशानी ये कि वो यादव चेहरे से ऊपर नहीं उठवाते हैं। गौरी सिंह यादव लगभग लंबे समय यहाँ रहे लेकिन वो बसपा, माफ कीजिए सपा का उन्होंने कोई भला नहीं किया, उल्टे वो प्रयास में करते रहे, उन पर कई तरह के आरोप लगे रहे। एक स्थिति तो यह आई कि एक बार कि दीप नारायण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। उनकी पत्नी जरूर विधानसभा का चुनाव जीत गई लेकिन बाकी जगह वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो जैसा रंजन जी भी कह रहे थे कि वो गंभीरता से नहीं लेते, और जैसा मैंने पहले कहा था कि वो केवल
जो चुनाव आयोग की जो नॉर्म से एक तरह से फुलफिल करना है कि इतने राज्यों में इतने वोट आपको चाहिए, उस दिशा में काम करते हैं, या फिर उनको ये लगता है कि इसको हरा देना चाहिए, वो अभी तक जीत के लिए नहीं लड़ रहे। जैसा हमने यश भारती को भी सुना कि उनका काम, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उनको रोकना चाहते हैं। रोकना चाहते हैं अलग चीज़ है, लेकिन आप जीतना चाहते हैं, ये जीतने की ललक जब आप में निकलेगी उस हिसाब से आप पूरा केडर तैयार करेंगे, उस हिसाब से नेता खड़े करेंगे, उस हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे, तो फिर आप चुनाव जीतने की बात करेंगे। बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियों ने भले ही गठबंधन कर लिया हो, लेकिन रणनीति तो उनकी समझ में आ रही है कि वो रोकना तो चाहते हैं लेकिन जीतने की फिलहाल वो कोशिशें नहीं कर रहे हैं, लगन उन्होंने नहीं दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बसपा सपा का गठबंधन की हम बात कर रहे थे, ये वो गठबंधन है जो हो सकता है इस बार लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाले, क्योंकि 91 से लेकर 2014 तक आम चुनाव लड़ी तो है बसपा लेकिन सतना रीवा से बाहर नहीं निकल पाई। अगर चंबल की बात करें तो चंबल में थोड़ा बहुत प्रभाव डाला था लेकिन लिमिटेड ही इनकी प्रेजेंस रही है, इनकी परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में रही है। तो बिगाड़ेंगे तो लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी फिलहाल जो विश्लेषण में बातें निकल कर आई वो यही कहती है। सत्ता का महासंग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।